आज हम एक विशेष प्रकार की संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर बात करेंगे। आपने मैग्नीशियम का दहन या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को सुना होगा, तो आज हम उस पर बात करेंगे और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। मैग्नीशियम क्या है कि एक सिल्वर वाइट मेटल अर्थात धातु होती है जो लैब में मैग्नीशियम रिबिन के रूप में होती है, लाइक दिस, इस प्रकार ये मैग्नीशियम रिबिन के रूप में होती है। और इस पर ये यूजुअली आप देखिए ध्यान से, तो इसको जरा पास में से दिखाइए, तो इस पर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग होता है। अब ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, इसकी एक सुरक्षा परत है जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होती है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबिन को एयर में बर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस कोटिंग को हटाना पड़ेगा। अगर हम नहीं हटाते हैं तो क्या ये रिबिन बर्न होगा क्या, जरा करके बता दीजिए। देखें ये देखिए, हम इसको वैसे ही जलाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इस कोटिंग के कारण ये नहीं जल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कोटिंग को हमें हटाना पड़ेगा, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कोटिंग है उसे हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, एक सैंड पेपर ले लीजिए और इस सैंड पेपर से इसकी कोटिंग को हटाइए, फिर हम इस रिबिन को रेडी मानेंगे दहन के लिए। तो इसको हटा दीजिए जरा, आप उसको हटा के बताइए जरा। चलिए, मेरे ख्याल से ये हमारी मैग्नीशियम रिबिन रेडी है दहन अर्थात एयर में हीटिंग के लिए। तो अब आपको यहाँ क्या सावधानी रखना है मैं बता देता हूँ कि ये बर्निंग के दौरान यहाँ पे क्या होगा कि व्हाइट ब्राइट लाइट आएगी जो आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए आप खड़े हो जाइए और इससे सुरक्षित दूरी पर ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। अपनी आंखों को इससे जितना दूर रख सके रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हाँ, ये देखिए, तो ये इसे सीधा रखिए इसे। ये देखिए, वायु में जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो फिर इस मैग्नीशियम रिबिन का श्वेत लो के साथ वायु में दहन होता है और ब्राइट व्हाइट लाइट मिलती है और यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। देखिए श्वेत चूर्ण में यह इस तरह से बदल रहा है, देखिए यहां पर। तो ये यहां पर क्या करता है कि एक बार और देखेंगे इसको हम। एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीशियम बर्न करता है एयर में और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जो श्वेत चूर्ण बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। देखिए आप, ये इस तरह से ट्वाइस एमजी एज रिबिन एंड प्लस ओ टू फ्रॉम एयर, ठीक है, ये बनाता है ट्वाइस एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। एक्चुअली ये एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, जिसमें दो अभिकारक कौन कौन, दो रिएक्टेंट्स कौन कौन है, एक तो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद या प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और इसे हमें वॉच ग्लास पर एकत्र कर लेना चाहिए, कांच पर हमने इसको एकत्र कर लिया है। बस सावधानी यही है कि बर्निंग के दौरान अगर मान लीजिए ब्राइट व्हाइट लाइट आंखों के लिए खतरनाक है तो इससे सुरक्षित दूरी हमें बनाए रखना चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है ये है ट्वाइस एम जी प्लस ओ टू हीटेड ट्वाइस एम जी ओ, ट्वाइस एम जी मैग्नीशियम एज रिबिन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर। तो जो ये मैग्नीशियम रिबिन है ये एयर में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया या हम कहें कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एक और मज़ेदार बात तो ये है कि ये एक इसको हम केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंज तो हर रिएक्शन को बोल सकते हैं, बट ये लोअर क्लासेस में केमिकल चेंज के रूप में भी एक एग्जाम्पल के रूप में दी हुई है।